साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत देश भर में कल से वैक्सीन रिहर्सल शुरू हो रहा है। एमपी में कोविड 19 के वैक्सीन लगाए जाने की मुहिम शुरू करने से पहले की तैयारियां चालू कर दी गई। इसके तहत अब कल से ड्राई रन होगा। राजधानी के 3 पॉइंट पर ड्राई रन होगा। इससे पहले देश के 4 राज्यों असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात और पंजाब में कोविड 19 वैक्सीन का ड्राई रन 28 से 29 दिसंबर को हुआ था। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को वैक्सीन को लेकर ड्राई रन कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्यों की राजधानी के कम से कम 3 पॉइंट पर ड्राई रन कराया जाएगा। राजधानी भोपाल के तयशुदा केंद्रों पर लोगों को इस वैक्सीन की डोज देने की मॉक ड्रिल की जाएगी। इसके लिए वॉलंटियर का कोविन आईटी प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। इसके बाद उन्हें मैसेज के जरिए कोविड 19 वैक्सीनेशन के लिए वक्त और जगह के बारे में बताया जाएगा। राजधानी भोपाल में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन के लिए जेपी हॉस्पिटल में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें स्वास्थ्य आयुक्त संजय गोयल और कलेक्टर अविनाश लवानिया मौजूद थे। बैठक में वैक्सीन के ड्राई रन के बारे में चर्चा की गई। कोविड वैक्सीन के ड्राई रन के लिए आज यहां बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कि हमारे सभी टीम्स के जो मेंबर्स हैं वो उपस्थित रहे और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि वैक्सीन का एक्चुअल फेज स्टार्ट हो उससे पहले ही एक ड्राई रन करते हुए हम अपने जो भी प्रोसेसेस हैं उनको फर्म अप कर लें, सुदृढ़ कर लें और यदि उसमें कोई भी कमी पेशी है तो उसको पहले से ही ठीक कर लें। तो प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग के लिए और पूरे प्रोसेस को नीचे का अमला पूरी तरह से समझ जाए, इसके लिए यहाँ मीटिंग का आयोजन किया। वहीं शिवराज ने कहा है कि वैक्सीन को लेकर हमारी तैयारी पूरी है। ट्रायल रन के लिए भारत सरकार के चर्चा करने के बाद जो कदम उठाने थे हमने उठा लिए हैं। जैसे ही हरी झंडी मिलेगी ट्रायल रन शुरू हो जाएगा। पूरी है जो वैक्सीन के ट्रायल रन के लिए भारत सरकार से चर्चा करके जो कदम उठाने थे, ट्रेनिंग से लेके कोल्ड स्टोरेज तक के सारे कदम हमने उठा लिए और जैसे हरी झंडी मिलेगी ट्रायल रन शुरू होगा। कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां परखने छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में 2 जनवरी यानी कल से मॉक ड्रिल किया जाएगा। ये मॉक ड्रिल रायपुर, सरगुजा, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, बस्तर और पेंड्रा जिले में किए जाएंगे। पहले इसे 4 जनवरी से किया जाना था लेकिन केंद्र सरकार के निर्देश पर इसे बदल दिया गया। तो राजधानी भोपाल में क्या कुछ तैयारियां हैं ड्राई रन को लेकर, उसे हम जानने के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा से। आकर्ष, अब हमारा देश सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की तरफ बढ़ गया है और हम जानते हैं कि कोई भी बड़ा काम करने से पहले उसकी प्लानिंग की जाती है। जाहिर सी बात है, पीएम मोदी ने कहा है कि हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लगना है, बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है, इसलिए पहले से मॉक ड्रिल हो रही है। भोपाल में कौन कौन सी जगह पर मॉक ड्रिल होगी, क्या तैयारियां वहां पर? सुमित, जिस तरीके से बोला गया है कि राजधानी में 3 पॉइंट बनाए गए हैं, ऐसे ही पूरे देश में 3 पॉइंट अलग अलग शहरों में बनाए गए हैं। तो राजधानी में 3 पॉइंट जो बनाए गए हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए सीएससी गांधीनगर को चुना गया है और दूसरा सिविल डिस्पेंसरी जो है गोविंदपुरा, उसके साथ एक निजी विश्वविद्यालय को चुना गया है। ये 3 पॉइंट चुने गए हैं जहाँ पर कल से ड्राई रन किया जाएगा। ड्राई रन की जरूरत क्यों पड़ी सुमित? साफ तौर पर ये साफ है कि जिस तरीके से वैक्सीन आएगी, वैक्सीन लगना शुरू होगी, उससे पहले नीचे का अमला या स्वास्थ्य विभाग का अमला उसकी जो प्रोसेस है उसको समझ सके कि किस तरीके से वैक्सीनेशन करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं देश में 4 से 5 कंपनियां जो हैं वैक्सीन बनाने की तैयारी में जुटी हुई हैं, जिसमें से एक जो वैक्सीन बना रही है, चाहे वो भारत बायोटेक के साथ जो ICMR है, जिसका थर्ड फेज का ट्रायल हमने खुद देखा कि राजधानी भोपाल के निजी अस्पताल में उसका ट्रायल भी किया गया था थर्ड फेज का, और इसको लेकर यही माना जा रहा है कि जल्द इस वैक्सीन को परमिशन भारत सरकार के द्वारा मिल सकती है या और दूसरी वैक्सीनों को भी मिल सकती है। इससे पहले किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाए कि यदि वैक्सीन आती है तो उनका स्टोरेज कैसे करेंगे, लोगों को टीकाकरण कैसे करेंगे और जो निचला अमला है वो किस तरीके से वैक्सीनेशन करेगा, कैसे वैक्सीन लगाएगा और उसके बाद कितने दिनों तक उनको ऑब्जर्वेशन रखना है, ऑब्जर्वेशन में लोगों को रखना है, ये बहुत बड़ी एक चुनौती बड़ी बात है, क्योंकि हमारा देश में करीब 130 करोड़ जनसंख्या और ऐसे में तमाम लोगों को टीका लगाना है तो उसके लिए उसको लेकर चुनौतियां बहुत सारी हैं और बहुत सारी तैयारियों की जरूरत है, और यही कारण है कि एक एक जिले स्तर पर इस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं वैक्सीनेशन को लेकर। वैक्सीन जब पहले आए उससे पहले ड्राई रन शुरू हो गया है और राजधानी भोपाल में भी कल
समय जो चुना गया है सुमित 9 बजे से लेकर 12 बजे तक ड्राई रन किया जाएगा और करीब 25 वॉलंटियर पहले दिन में इसमें वैक्सीन के लिए वैक्सीनेशन ड्राई रन होगा उसमें शामिल होंगे। लेकिन स्पष्ट यही है किसी को वैक्सीन नहीं लगेगा सुमित, सिर्फ वो ड्राई रन में शामिल होंगे। निचले अमले को बताया जाएगा कि किस तरीके से वैक्सीन यदि आपके पास आती है तो उसका कोल्ड स्टोरेज आपको कैसे करना है, उसके बाद वैक्सीन कैसे लगानी है, यदि भीड़ ज़्यादा लोग पहुँचते हैं तो उनको मैनेज कैसे करना है और यदि वैक्सीन लगने के बाद उनको कितनी देर तक ऑब्जर्वेशन में रखना है, इस तरीके की जो पूरी प्रोसेस है वो जो एक्सपर्ट हैं वो निचले अमले को स्वास्थ्य कर्मियों को समझाएंगे। सुमित आकर्ष, जाहिर सी बात है बहुत बड़े टीकाकरण अभियान की तरफ देश बढ़ रहा है, चुनौती बड़ी है स्वास्थ्य विभाग के सामने। कल जो ड्राई रन हो रहा है क्या एक ही दिन के लिए होगा या उसे बढ़ाया जाएगा? सुमित अभी तक इस बारे में स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी नहीं दी है, हालांकि कल का तो ये दिन चुना गया है। बताया जा रहा है कि ये ड्राई रन करीब 3 दिनों तक चल सकता है लेकिन इसके बारे में कल ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी स्पष्ट करेंगे। लेकिन ड्राई रन जो है पहले दिन में 25 वॉलंटियर के साथ में स्वास्थ्य विभाग का जो पूरा अमला रहेगा 3 पॉइंटों पर उनका ट्रेनिंग की जाएगी, उनको एक्सपर्ट ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद उनके साथ वैक्सीनेशन का काम कराया जाएगा। वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी लेकिन पूरी प्रोसेस उनको पहले ट्रेनिंग करी जाएगी उसके बाद उनसे करवाई जाएगी। सुमित ठीक है आकर्ष, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो राजधानी भोपाल में भी 3 पॉइंट बनाए गए हैं और 3 पॉइंटों में ड्राई रन यहां पर कल से शुरू हो रहा है, एक बहुत बड़े टीकाकरण अभियान की तरफ यहां पर देश बढ़ रहा है और इसी को लेकर तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। तो राजधानी के 3 पॉइंट पर ड्राई रन होगा, इससे पहले देश के 4 राज्यों असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात और पंजाब में कोविड-19 वैक्सीन का ड्राई रन 28-29 दिसंबर को हुआ था। तो ड्राई रन एक रिहर्सल की तरह है, वैक्सीनेशन की तैयारियों को परखा जाएगा, वैक्सीन किस तरह लगाना है, इसकी क्या तैयारियां हैं इसको उसमें समझा जाएगा और इन तमाम चीजों का परीक्षण किया जाना है। वैक्सीनेशन के दौरान आने वाली मुश्किलों का पता भी इसमें लगाया जाएगा, जो कमियां हैं वो दूर